Hello everyone, welcome to my channel Self-Made Tutorial. Today we will talk about connective tissue. Connective tissue जो है ये भी ये tissue का एक there are four types of connective tissue sorry soft tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. Okay, तो हम लोग epithelial tissue का हम लोग whole details में पढ़ चुके हैं types दो बेस पे उसे दो बेस पे उसे क्लासिफाई किया गया है और एपिथेलियम टिश्यू क्या है उसका फंक्शंस क्या है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है. ओके तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए. ओके और उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू. तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू का फुल डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू. ये लिक्विड टाइप होता है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू हैव थ्री कंपोनेंट्स. कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू जो होता है थ्री कंपोनेंट्स से बना होता है. फर्स्ट है इंटरसेल्यूलर मीडियम और ग्राउंड सब्सटेंस. इंटरसेल्यूलर मीडियम इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को ही ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं. ओके कनेक्टिव टिश्यू सेल्स इसमें जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू सेल्स बहुत सारे सेल्स भी पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में. उसके बाद फाइबर्स भी पाए जाते हैं वाइट फाइबर येलो फाइबर. ओके देखते चलिए आप लोग बहुत मजा भी आएगा इसमें पढ़ने में. इंटरसेल्यूलर मीडियम यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस. ओके इट इज नॉन लिविंग. ये जो होता है नॉन लिविंग होता है एमॉर्फस होता है ट्रांसपेरेंट होता है सेमी फ्लूइड इन नेचर. ओके नेचर में इनका प्रकृति जो होता है नॉन लिविंग होता है एमॉर्फस होता है ट्रांसपेरेंट होता है एंड सेमी फ्लूइड होता है एंड फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द टिश्यू. और ये टिश्यू का मैट्रिक्स बनाता है. ओके इट इज फॉर्म्ड टू कंपोनेंट्स. और जो इंटरसेल्यूलर मीडियम जो होता है सब्सटेंस जो होता है ये दो कंपोनेंट से बना होता है ग्लाइको सेमिनोग्लाइकेंस. ग्लाइको सेमिनोग्लाइकेंस एंड सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन्स. ओके नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. जो कनेक्टिव टिश्यू जो बना होता है थ्री कंपोनेंट से तो इसका दूसरा कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स. There are the living components of this tissue. इसमें living components पाए जाते हैं और first जो था वो non living था और ये जो है living components हैं. इसमें जो होता है fibroblasts. ओके जैसे आप लोगों को बताया जा चुका अभी मैंने बताया कि connective tissue cells हैं इसमें totals 9 cell पाए जाते हैं. ओके फिब्रोब्लास्ट्स एडिपोज सेल प्लाज्मा सेल मास्ट सेल माइक्रोफेगस सेल मैं बताती जाऊंगी. इसमें भी हिटामिन होता है हिपेरिन होता है कौन जो होता है वो फॉरेन सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर जाता है हटा देता है उसे जो एलर्जी होता है वो उसे बच जाता है. ओके सेव करता है मैं आपको बताती चल रही हूँ. ओके दे आर स्पाइनल सेप्ट सेल एंड प्रोड्यूस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स. ओके ये फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं स्पाइनल सेप्ड होते हैं और ये फाइबर्स एंड मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं. इट सिंथेसिस टू टाइप ऑफ प्रोटीन. ये टू टाइप्स से सिंथेसिस होते हैं टू टाइप के प्रोटीन से सिंथेसाइज होते हैं कॉलेजन प्रोटीन एंड इलास्टिन प्रोटीन. कॉलेजन और इलास्टिन इट प्रिवेंट्स द टिश्यू फ्रॉम इंजरी. इट इज ऑल्सो नॉन एज फिब्रोसाइट्स. ओके फिब्रोसाइट्स ये जो होता है टिश्यू में जब इंजरी कोई अचानक कोई कट वट जाता है तो उस टाइम में ये उन्हें उनसे सुरक्षा अगर कोई क्या कहते हैं वो एक्सटर्नल फंगस वंगस जो लग जाता है उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ जाता है उसे ये प्रिवेंट करते हैं. इसे फाइब्रोसाइट्स भी कहते हैं. इसी को ही फाइब्रोब्लास्ट को फाइब्रोसाइट्स अगर फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोसाइट्स पूछे तो ये घबराइएगा मत फिब्रोब्लास्ट को ही ऑल्सो नैन एज फाइब्रोसाइट्स. नेक्स्ट है एडिपोज सेल.
दे आर स्फेरिकल एंड स्टोर फैट। ये स्फेरिकल होते हैं यानी गोलाकार होते हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिपोज सेल में जो होता है स्टोर फैट का स्टोर होता है, जो हम लोग का फैट का स्टोर जो होता है इसी में होता है एडिपोज सेल में। प्लाज्मा सेल दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा ही एंटीबॉडीज रिलीज होता है। अगर कोई एंटीजेंस हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो एंटीबॉडीज ही हमारी रक्षा करती है। तो एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस कहाँ से होता है एंटीबॉडीज का, तो ये प्लाज्मा सेल्स से। और प्लाज्मा सेल्स क्या है, प्लाज्मा सेल्स कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, पाया जाने वाला एक सेल्स है। ओके, मास्ट सेल दे प्रोड्यूस हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। ये जो होता है एंटीबॉडीज पूछ सकता है कि एंटीबॉडीज का निर्माण किस सेल से होता है, तो आप लोग प्लाज्मा सेल्स ध्यान रखिएगा, ये हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं ये सारे। और ये भी पूछता है कि फैट का स्टोर कहाँ होता है, तो एडिपोज सेल्स में। ओके, तो ये थ्री जो हो गया हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन इट इज वैसोडिएटर लाइक एज डिलेट्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कॉज इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन। ओके, ये जो होता है इन्फ्लामेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, इन्फ्लामेशन या कोई जलन होता है या एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इससे ही रक्षा मतलब प्रिवेंट करता है। और हिपेरिन जो हो गया ये भी ब्लड में पाया जाता है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है, तो हिपेरिन आप लोग जानते होंगे कोएगुलेटिव एलिमेंट्स जो होता है, ब्लड को थक्का जमाने में हेल्प करता है। इट इज एन एंटी कोएगुलेंट एंड प्रिवेंट चेक्स क्लॉटिंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड वेसल्स जो होता है नस जो बोलते हैं, ओके, उसमें ब्लड क्यों नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण। हिपेरिन उसमें मौजूद होता है, एंटी कोएगुलेंट एलिमेंट्स होता है, फैक्टर होता है जिसके कारण उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड वेसल्स। ओके, और ऐसे हिपेरिन आउटसाइड वेसल्स के आउटसाइड में पाया जाता है, जैसे कटता है तो उससे बहुत सारे 13 स्टेप में होते हैं, फिब्रोजिन होते हैं, थ्रिम्बोप्लास्टिन होते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है। वो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी डालने की ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड वीडियो। ओके, उसके बाद सेरोटोनिन हो गया, इट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर टू अरेस्ट ब्लीडिंग एंड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये जो होता है ब्लड वेसल्स में जो होता है ब्लीडिंग को अरेस्ट मतलब थक्का जम जाता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो ये था तीन हिस्टामिन हिपेरिन एंड सेरोटोनिन किस सेल से, मास्ट सेल से। नेक्स्ट है मैक्रोफेगस या हिस्टोसाइट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैक्रोफेगस भी पूछ देता है या कभी कभी हिस्टोसाइट्स भी पूछता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन में थर्ड पार्ट में, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। इट इज अमीबॉइड शेप्ड, ये अमीबा शेप्ड का होता है। इट इंगेस्ट फॉरेन जो होता है पार्टिकल्स उसको इंजेस्ट करता है, बैक्टीरिया जो होता है इसके अंतर्गत, एंड द सेल्स ऑफ डैमेज्ड टिश्यू। और डैमेज्ड टिश्यू जो होते हैं अंदर घर्षण के कारण फ्रिक्शन के कारण टूट जाते हैं तो उसको इंजेस्ट करता है। दस दिज हेल्प इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो पूछ सकता है विच सेल इज डिफेंस इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, तो आप लोग हिस्टामिन या मैक्रोफेगस बोल सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे सेल्स आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे हिस्टोलाइट्स ऑफ लीवर आर नॉन एज कुफर सेल्स। लीवर में जो हिस्टोलाइट्स के समान जो होते हैं सेल्स, वो होते हैं कुफर सेल्स, डिस्कवर्ड बाई वैन कुफर्स। ओके, इसका खोज किसने किया था, वैन कुफर्स ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे कुफर्स सेल्स कहा जाता है। ओके, हिस्टोसाइट्स लाइनिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आर नॉन एज डस्ट सेल। ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो
ट्यूब पाया जाता है, उसमें जो होता है डस्ट सेल्स के रूप में जाना जाता है। दिस रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, ओके, ये जो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। लिम्फोसाइट्स, दे आर ए स्मॉल स्फेरिकल और अवॉइड सेल्स, देयर फंक्शंस इज टू फॉर्म एंड कैरी एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये स्मॉल स्फेरिकल होते हैं और अवॉइड सेल्स होते हैं, और इनका फंक्शन जो होता है एंटीबॉडीज को कैरी करना, लिम्फोसाइट्स। मेजेनकाइम सेल, दे गिव राइज टू वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल। ये जो होते हैं क्या है मेजेनकाइम सेल्स, मेजेनकाइम सेल्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो सारे टिश्यू का मदर कौन हुआ, मेजेनकाइम सेल्स। और इस टर्म का इंट्रोड्यूस हर्टविग ने किया था 1883 में, ओके। नेक्स्ट है क्रोमैटोफोर्स सेल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड पिगमेंट सेल। क्रोमैटोफोर्स तो आप जानते ही हैं, वो भी पिगमेंट सेल्स होता है। दे आर फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन वेयर दे इम्पार्ट कलर टू द एनिमल। ये कलर प्रदान करते हैं एनिमल्स को, ये सबसे ज़्यादा एनिमल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, रेप्टाइल्स क्लास। रेटिकुलर सेल्स, दे फॉर्म द रेटिकुलर फाइबर्स एंड आर ऑल्सो फाइगोसाइटिक इन नेचर। ये भी फाइगोसाइटिक होता है, जो मतलब डाइजेस्ट इंजेस्ट कर जाता है एक्सटर्नल पार्टिसिपेट को, फॉरेन पार्टिसिपल्स को, ओके। अब थर्ड कंपोनेंट जो है इसका फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू जो बना होता है थ्री कंपोनेंट्स का, तो थर्ड है फाइबर्स, कॉलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर्स। कॉलेजन फाइबर्स, इसे वाइट फाइबर भी कहा जाता है, दे आर मेड अप ऑफ कॉलेजन प्रोटीन। ये जो कॉलेजन फाइबर्स जो होता है कॉलेजन प्रोटीन्स का बना होता है। दे ऑकर इन बंडल, ये हमेशा बंडल्स में पाए जाते हैं, जिसे फैसिया कहते हैं, फैसिया, इसके बंडल को फैसिया कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फैसिया। और कौन से प्रोटीन्स का बना होता है, कॉलेजन प्रोटीन। दे आर इन इलास्टिक, ये जो होते हैं इन इलास्टिक एंड अनब्रांच्ड होते हैं, ये इन इलास्टिक होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, यानी कड़े होते हैं, रिजिड होते हैं, हल्का फुल्का। ऑन बॉयलिंग इन वाटर, जब इसे बॉयल वाटर में बॉयल किया जाता है, द कॉलेजन ऑफ वाइट फाइबर चेंज टू ए कोलाइडियल प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन, और इसे ये इलास्टिन में परिवर्तित हो, जब इसे बॉयल किया जाता है तो ये इलास्टिन में चेंज हो जाता है, ओके। तो ये था कॉलेजन फाइबर्स, कॉलेजन प्रोटीन का बना होता है, इसे बंडल में पाया जाता है, ये इलास्टिक होता है, अनब्रांच्ड होता है, और ये जब गर्म पानी में बॉयल किया जाता है तो ये इलास्टिन में परिवर्तित हो जाता है। ये है इलास्टिक फाइबर, इसे वाइट येलो फाइबर भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, येलो फाइबर, वाइट फाइबर। दे आर फॉर्म्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन, ओके। कॉलेजन को जब वाटर में बॉयल किया जाता है तो वो इलास्टिन में बन जाता है, ओके। तो उससे भी रूपांतर चेंज करके इलास्टिक फाइबर्स को बनाया जा सकता है। दे आर इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं यानी फ्लैक्सीबल इलास्टिक, ब्रांच्ड एंड ऑकर सिंगली, ये सिंगल यानी ये अकेले होते हैं बस, बल्कि वो जबकि वो ब्रांच्ड होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं और बंडल के रूप में पाए जाते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू बॉयलिंग, ओके, ये नहीं चेंज होता है। रेटिकुलर फाइबर, दे आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड रेटिकुलिन। रेटिकुलर जो होता है रेटिकुलिन से होता है, इलास्टिक जो होता है इलास्टिन से होता है, और कॉलेजन जो होता है कॉलेजन प्रोटीन से होता है, ओके। दे आर डेलिकेट, यानी कि पतला होता है, थिन, ब्रांच्ड एंड इन इलास्टिक होता है। दे आर ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क, ये हमेशा नेटवर्क बनाता है, ओके। तो ये था तीनों कंपोनेंट कनेक्टिव टिश्यू किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हर टाइप्स के कंपिटेटिव एग्जाम में पूछेंगे। तो पहले आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, और कुछ समझ में ना आए तो फिर हमसे पूछिए। और ये था कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें अगर मैं
मर्ज करूँगी वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका अलग से एक अलग दूसरा वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो ये था फर्स्ट वीडियो कनेक्टिव टिश्यू का, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, और सबका अलग अलग उसका भी अलग अलग अपना टाइप होता है। सो इसलिए मैं जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू, वैस्क्यूलर टिश्यू, ओके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो अपलोड करूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर, वो भी अच्छा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और फ्रेंड्स में से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।